Dear student, we have to discuss about the sustainable development as ए लैंग्वेज एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे inequalities की हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन की वजह से inequalities हो सकती हैं यहाँ से बहुत से कंट्रीज हैं जिनकी मिसालें भी हमारे पास शामिल है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर ऑल जेंडर मेल के लिए फ़ीमेल के लिए इसलिए आज इस वक्त तो हम ट्रांसजेंडर को भी उसके अंदर शामिल कर रहे हैं और बहुत से के अंदर हमारी जो इनकोलिटीज़ हैं उसका मेन फैक्टर जो है वो हमारे सोसाइटी के मैटर्स है और हमने इसके ऊपर बात की उसके अंदर बहुत से हमारे एशियन कंट्रीज भी आते हैं जिसके अंदर चाइना है हांगकॉन्ग है साउथ कोरिया है ताइवान है वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है एच का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वो ये है कि हमने बच्चों के अंदर इक्वलिटीज को मिनिमाइज करके एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा करनी है वो पहले हमने बात की जेंडर की हम रिलीजन भी बेस हो सकता है कल्चर भी बेस हो सकता है कल्चर डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है रिलीजन भी एग्जिस्ट करता है जैसे हमने पहले बात की कि, कि कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट अब देखे मेरा मेल होना बाय डिफॉल्ट है इसी तरीके से मेरा रिलीजन भी बाय डिफॉल्ट है देखें क्रिएटर ने मुझे मुसलमानों के घर पैदा किया मेरे उसमें कोई रोल नहीं है हम में से वो तमाम लोग ये अंडरस्टैंड करने कि जिसने मज़हब पढ़ने बग़ैर मज़हब को अख्तियार किया हुआ है तो वो बाई डिफ़ॉल्ट है यानी हमारा एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन जो है वो कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट रिलीजन करता है और उस कंपेरिजन के अंदर जो है वो देखता है और फिर वो फैसला करता है कि जी मुझे एक्स मजहब में जाना है वाई में जाना है या जी के अंदर जाना है वो एक अलहद फनामिना है लेकिन अगर मैं बाई डिफ़ॉल्ट एक रिलीजन में पैदा हुआ हूँ और उसी रिलीजन के अंदर मेरी डेथ हो गई है तो उसका मतलब है कि रिलीजन जो है वो तो बाई डिफ़ॉल्ट मुझे मिला हुआ है अगर ऑन द बेस ऑफ रिलीजन जो है जिस तरीके से हम जेंडर की बात कर रहे थे उसी तरीके से ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन अगर मेरे साथ कोई इनक्वलिटी होगी या मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी तो ये एक गलत बात है और हमारे जो एस डी जीज हैं उनके अंदर ये समझाने की ज़रूरत है कि हमारे इसी के बच्चों को ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दें कि वो किसी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे वो अवॉइड करें और फ्यूचर के अंदर जो सस्टेनेबल सोसाइटी डेवलप हो रही है जिसका तस्वर आ रहा है उसके अंदर इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके अब देखें दो तीन चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर एक बच्चा गरीब फैमिली में पैदा हो गया है उसका भी कोई कसूर नहीं है अगर ऑन द बेस ऑफ हम हलीड क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वो भी गलत है ऑन द बेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे वो भी गलत है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करेंगे वो भी गलत है हमारे पास तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यूं समझ लें कि जो हमारा फोकस है वो डिस्क्रिमिनेशन से जब हटेगा तो ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की तरफ आ जाएगा देखें मेरी बिलोंगिंगनेस कब नहीं होती जब मैं डिस्क्रिमिनेट कर, कर रहा होता जब मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता हूँ तो वो किस बेस पे कर रहा होता हूँ वो मैं जेंडर की बेस पे भी, भी कर सकता हूँ रिलीजन की बेस पे भी, भी कर सकता हूँ कल्चर बेस के ऊपर भी कर सकता हूँ इसके ऊपर जो है साउथ कोरिया ने भी बहुत वर्क किया, है उसके अलावा और बहुत से ममालिक हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है ना मुख्तलित प्रोग्राम चलाए गए हैं बहुत सारे रिसोर्स हैं इंकलूडिंग फिनंशल सपोर्ट्स टू द फैमिलीज ये आर नार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द चिल्ड्रेन इन दोज कंट्रीज आप देखें ये जहां कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन लेके आएंगे वहां पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस खत्म हो जाएगी जहां सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को प्रवेल करना है तो वहां पर आपकी डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा